हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इंटर आर्ट्स के इतिहास विषय का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमारे महात्मा बुद्ध जी वो अष्टांगिक मार्ग दिए थे, या उसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मुख्य बात यह है कि ये अष्टांगिक मार्ग दिए थे किस लिए, उनका बुद्ध का मानना था। और मानने से क्या होता है, और आप लोग भी जानते ही होंगे कि अभी के समय में जो ये संसार है वो दुख से भरा हुआ है, सभी व्यक्ति दुखी है। और वही दुख को जो मेन कारण होता है उसके बारे में महात्मा बुद्ध जी बहुत कुछ बतलाए हैं। और उनका कहना था कि अगर दुख पर विजय प्राप्त अगर करना है तो मध्यम मार्ग को अपना लो, यानी कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। वही जो आज अभी आपके सामने जो हम अष्टांगिक मार्ग बतलाने जा रहे हैं वही महात्मा बुद्ध जी दिए थे। और वो बतलाए थे कि संसार में इतना जो दुख है उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे तो लोगों के पास ज्यादातर दुख किस कारण से होता है, वही जो लोभ है, ईर्ष्या है, जलन है, सबसे ज्यादा दुख जो है इसी वजह से होता है। आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि व्यक्ति अभी के समय में जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उससे अधिक जो है दुखी है वो दूसरे के सुख को देख करके। तो इसी बात को जो है हम आप लोगों को अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग का उपदेश जो है दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए ही दिया गया था। ये उपदेश जो है महात्मा बुद्ध जी दिए थे, जिसमें ये अष्टांगिक मार्ग जो है आपका पहला जो मार्ग है वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि सही देखना, मतलब जो हमारा दृष्टि होना चाहिए वो उचित होना चाहिए। और कहने का मतलब है कि जो हम देख रहे हैं तो उसमें हमको सत्य और असत्य दोनों को पहचानने का क्षमता होना चाहिए। तो ज्यादातर अभी क्या होता है कि लोग सही बात को जानते ही नहीं है और पीछे से लग जाते हैं, बस कोई कुछ आकर के बोल दिया, सत्य असत्य पहचाने भी नहीं और जो है कि अपना काम शुरू कर दिए, जो भी उल्टा सीधा काम होता है शुरू कर देते हैं। यानी सीधा सा एक उदाहरण आप लोग कभी जो पढ़े होंगे या सुने होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर कह दिया कि आपका कान जो है कौआ लेकर के भाग रहा है, आप जो क्या किए कि कान को चेक किए ही नहीं और कौआ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा जो है ये होता है। तो दृष्टि क्या होना चाहिए, आपको सही होना चाहिए, क्योंकि सत्य और असत्य को पहचानने का दृष्टि होना चाहिए, ना कि कोई कुछ आके हमको कह दे तो हम वही मान लें। ये जो है पहला उपदेश दिए थे सम्यक दृष्टि के बारे में। दूसरा उपदेश था सम्यक संकल्प, यानी कि व्यक्ति का जो है संकल्प जो होना चाहिए वो जो है सही होना चाहिए। संकल्प जैसे अगर आप ले रहे हैं, जब कोई संकल्प ले लिए वो संकल्प होना चाहिए हिंसा रहित संकल्प होना चाहिए, इच्छा रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जो हम संकल्प में वो सिर्फ जो है हिंसात्मक हो वो संकल्प सही नहीं है। संकल्प होना चाहिए जो कि हाँ किसी भी चीज को करने के लिए वो इच्छा रहित हिंसा रहित संकल्प होना चाहिए, वो दूसरा जो है आपका सम्यक संकल्प है। आप अगला आता आपका सम्यक वाणी। वाणी, वाणी आप लोग समझ रहे हैं, वाणी का मतलब यहां है बोली, जो हम बोलते हैं। तो बोली जो है सबसे उचित बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और जो है दूसरे व्यक्तियों को कान को प्रिय लगने वाला बात बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसा बोली बोले जो कि दूसरे को दुखी कर दे, तो वो बोली का कोई मोल नहीं है। ऐसा सुने भी होंगे कि बोली जो होता है एक ऐसा चीज है, यही बोली आपको जो है पान भी खिलाता है और यही बोली जो है लात जूता भी खिलाता है। ये तो समझ लीजिए कि बोली बोलने का तरीका है, सिर्फ बोलने से ही व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूरा क्रोधित है
अगर क्रोधित है तो आप बोली से उसको क्रोध को कम कर सकते हैं। आपको कोई जैसे जनरली आपको उदाहरण देते हैं, आपके घर का उदाहरण देते हैं, अगर किसी भी बच्चे के माता पिता अगर पूरा गुस्सा होंगे और गुस्सा होने के बाद आप घर पहुंचिए और पहुंचने के बाद जो पूरा एकदम मोटा सा डंडा लेकर के खड़ा रहे और खड़ा रहने के बाद जब वो जाए और वो गुस्सा में आपको पूछे कि तुम ये गलती किया है ऐसे किया है, और वहां पर जो अगर आप नम्रता पूर्वक अगर उस बात को अगर गलती किए हैं अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको जो डंडा 20 लगने वाला होगा ना वो 5 से 4 हो जाएगा, मतलब बहुत कम जाएगा ये सोच लीजिए। अन्य तो वही बता देते हैं आपको, आप वहां पर जो है पूरा तानाशाह दिखाइए, हम ये नहीं किए हैं वो नहीं किए हैं, तो जहां अधिक से अधिक डंडा आपको पड़ सकता है। तो क्या हुआ, असर कहां हुआ, बोली का, यानी वाणी जो है क्या होना चाहिए, सम्यक वाणी होना चाहिए। अगला आपको आता है सम्यक कर्म, कर्म के बारे में, कर्म जो होना चाहिए सही कर्म होना चाहिए। आप जिस कर्म क्षेत्र में हैं आप उस कर्म क्षेत्र पर अडिग रहे, जैसे जो कर्म आपको करना होता है वो कर्म अगर आप करते हैं तो कहा भी गया है भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म की प्रधानता होती है, कर्म जो है प्रधान है, अगर आप कर्म करते हैं आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा। अगर आप सही कर्म करिएगा तो सही फल मिलेगा, अगर आप गलत काम करिएगा तो गलत फल मिलेगा, ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को होता है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं है, कर्म किया हुआ जो रहता है उसका फल एकदम निश्चित मिलता है और कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो कर्म जो होना चाहिए सही कर्म करना चाहिए, ये जो है जरूर, ये हमारे महात्मा बुद्ध जी भी बतलाए हैं कि सही कर्म करना चाहिए। तो आपको कर्म को भटकाने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपने कर्म पे अडिग रहिए। उसके बाद आपको आता है सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का कहने का मतलब है कि आपका जो जीवन यापन आप जो जी रहे हैं वो आपका होना चाहिए सदाचार पूर्ण ढंग से, आप सदाचार जीवन जिए, मतलब ज्यादा रंगीन जीवन मत जिए, अगर ज्यादा रंगीन जीवन जी रहे हैं तो वो बेकार है। ये जीवन जो होना चाहिए सदाचार पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, सदाचार पूर्ण जीवन रहेगा और नम्रता जो आपका जो है बना हुआ रहता है। ये जो है सम्यक आजीव जरूरी है, सम्यक व्यायाम जरूरी है, जैसे व्यायाम का मतलब विवेकपूर्ण जो कोई काम हम करते हैं तो विवेकपूर्ण कार्य कर सकते हैं, सही कार्य करेंगे तो आपका व्यायाम जब अभ्यास जो करते रहते हैं ये भी व्यायाम है, कैसा स्टूडेंट है तो उसका व्यायाम क्या होगा, मतलब पर डे पढ़ाई करना, अगर रेगुलिटी में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा तो उसका एक व्यायाम हो गया। और विवेकपूर्ण तरीके से जैसे मान लीजिए किसी कारणवश क्या हुआ कि उसका एक दिन छूट गया है तो वो बच्चा क्या करे कि अगले दिन जो है उसका मेकअप कर ले, वो क्या होगा उसका व्यायाम होते रहेगा, ये विवेकपूर्ण तरीका से हुआ। तो किसी भी कार्य को जो हम विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं वो आपका सम्यक व्यायाम कहलाता है। अगर सम्यक व्यायाम में है तो देखते हो स्टूडेंट को बतलाया जाता है कि आप पढ़िए रेगुलिटी में पढ़िए, क्योंकि बहुत कम पढ़ना होता है, लेकिन ये स्टूडेंट समझते नहीं है, उसको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, हम तो मतलब 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको बताते हैं कि तुमको अगर मतलब साल में अगर लिया जाए तो कितना क्वेश्चन होगा, अरे एक सब्जेक्ट में मुश्किल से अगर तुमको रख लो कि 800 क्वेश्चन अगर हो तुमको 400 दिन मिलता है, अब जो लो कि एक दिन में कितना क्वेश्चन तुमको याद करना है, अगर तुम्हारा जो सम्यक व्यायाम के स्वरूप में चला जाए तो एक विषय को तुमको मात्र एक दिन में दो क्वेश्चन याद करना है, अगर एक दिन में दो वो भी सब विषय में नहीं और विषय में तो कम जाएगा किसी किसी विषय में जो है। तो ही बात है कि सम्यक व्यायाम का होना जो है जरूरी है आपको जीवन में। उसके बाद आता है सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब यादगारी, जो तुम्हारा यादगारी है वो सही होना चाहिए, जो हम याद रखते हैं सही चीजों पर विश्लेषण कर सकते हैं, सही बातों को बतलाएं तो हमारा यादगारी सही होना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से मतलब जो स्मृति रहे याद रहे, जो भी चीज को याद करे उसको सही ढंग से सही तौर तरीके से याद रख करके बतलाएं किसी भी चीज को, वो स्मृति हमारा सही होना चाहिए। मतलब जो भूल रहे हैं उस पर हम पूरे विश्वास के साथ किसी को ना कहें, ये भी चीज है, स्मृति जो है सही होना चाहिए, मतलब जो धोखे में किसी व्यक्ति को ना दें, स्मृति सही दें, ये स्मृति जो है आपका सम्यक स्मृति है,
उसके बाद आता आपका सम्यक समाधि। समाधि का मतलब एक एकाग्रता, मतलब ये चाहिए कि जीवन में समात्मीयता जो होता है, जो समाधि होता है, जरूरी चीज है। आपको मतलब एकाग्र होना सबसे जरूरी चीज है किसी भी कार्य क्षेत्र में। कोई भी कार्य को आप करिए, अगर आप एकाग्र होकर के करते हैं तो आपका कार्य जरूर सफल होगा, क्योंकि एकाग्रता से आपका जो अंदर का जो भावना होता है ना, वो भावना सही स्वरूप में जाता है, मतलब निगेटिव में नहीं जाता है, पॉजिटिव रहता है। जैसे आप लोग सुने साहब, अभी हम महात्मा बुद्ध के बारे में बतला रहे हैं, तो वो क्या एकाग्र थे, क्योंकि ये जो तपस्या कर रहे थे तो बिना एकाग्रता का तपस्या होगा? स्टूडेंट ही आप लोग हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, तपस्या। उनमें क्या चाहिए, एकाग्रता। अगर एकाग्रता में कमी रहेगा तो क्या स्टूडेंट जो है कि पढ़ाई कर लेने, नहीं करेंगे। हाँ, एकाग्र होकर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको आप देखिए सही तरीका से पढ़ लेता है। एकाग्रता जरूरी है। कभी कभी तो हम ऐसा भी बताए हैं कि अगर स्टूडेंट को ऐसे बता रहे हैं, आप इसको अच्छा से सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको एकाग्रता से फायदा बहुत सा हो सकता है और होता ही है। आप एक बार जो हमको बताया कल्याण पर, आपको एकाग्रता के बारे में जो बता रहे हैं, सम्यक समाधि के बारे में बता रहे हैं, इसको आप एक बार जो है कि घर में यूज करके देखिए, उसके बाद देखिए कि आपका माइंड का क्या प्रभाव है, आपके पास कितना पॉजिटिव ऊर्जा आता है। निगेटिव जो थॉट होगा वो एकदम बाहर फेंक देगा और पॉजिटिव थॉट को आपके अंदर रखेगा। ये जो है जरूरी है। और वो जो है कि हम कई बार क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं, स्टूडेंट को बतलाते हैं, लेकिन देखिए इसमें करना क्या है, एकाग्र हो कैसे। कभी भी आप अपने घर में आराम, इसमें कोई खर्च नहीं होता है, आपके पास अपना घर है, घर में जाइए, सारे जो है खिड़की किवाड़ सबको बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद जो है कि आप क्या करिए कि आराम से एकदम पालथी मार करके बैठ जाइए, वहां जो प्रकाश एकदम हल्का प्रकाश हो सकता है, नाइट बल्ब का उपयोग करिए, ज्यादा मतलब प्रकाश नहीं, और एकदम पालथी मार के आंख मूंद करके बैठ जाइए। और बैठने के बाद जो है कि मतलब आप ओम का जाप करिए, किसी भी चीज के मन पूरा आंतर, उस समय जो है आपके इर्द गिर्द कुछ नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में कोई दूसरा बात नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं कि हाँ मेरा मोबाइल वहां है, मोबाइल में फोन आने वाला है या और कुछ है, व्हाट्सएप चेक कर लेंगे, ये करेंगे, वो सब कुछ नहीं। दुनिया दारी की आप सिर्फ वहां सिर्फ आप रहिए और उसके अलावे कुछ भी नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। और उस स्थिति में आप जो है कि देखिए एकाग्र होकर के आप मूंद करके आप किसी मंत्र का भी जाप करिए, सिर्फ ओम का ही जाप करिए, उसके बाद आपको नजर आएगा कि आपका जो सम्यक समाधि है सफल है। आप खुद जो है आकाश में जो है ना उड़ते नजर आइए, आप आकाश में उड़ते नजर आइएगा। और अभी जो है आपका अगर ध्यान भंग हुआ तो आकाश से आप डायरेक्ट जमीन पे गिर जाइए, लेकिन ऊपर उड़ने के ब्रह्मांड में आप उसको भंग मत करिए, देखो उसको आराम से आप नीचे तक आ करके उसके बाद ही जो है कि समाधि को भंग करना है। तो ये सम्यक समाधि, इससे आपको पॉजिटिव थॉट आएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं, ये जो है आपका सम्यक समाधि है। और इस तरह से जैसे देखिए कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग पूरा होता है, क्लियर है। इसको आप वीडियो के अच्छे तरह से सुनिए, देखिए, जिससे आपको ये एग्जाम में भी पूछा जाता है मध्यम मार्ग के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, तो विस्तृत रूप से इसमें आपको समझा दिया गया है और उस पर विशेष बल दीजिए, जिससे कि आप जो है जीवन में दुख का जो होता है ना छुटकारा आपको हो जाएगा। ये कन्फर्म है, हम कह सकते हैं कि आपको जो जीवन में दुख है ना वो तो कन्फर्म दूर हो जाएगा, दुख में आप नहीं रहिएगा। बस, धन्यवाद।